सरकार की ओर से मिली छूट के बाद एक ओर जहां शराब की दुकानों के बाहर भीड़ दिखाई दी, वहीं दूसरी ओर गुजरात के विजयनगर में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जहां पर एचबीएन की टीम ने पहुंचकर लोगों से खास बातचीत की। एचबीएन न्यूज चैनल, हम बात करते हैं, हम आज विजयनगर तहसील के अंदर जो बैंक ऑफ बड़ौदा के आगे हम खड़े हैं। यहाँ कई लोग लंबी कतार में है, आपको शायद कैमरा में दिखाई दी होगी, यहाँ बहुत सारी लंबी कतार है। शायद ये कतार लोग पैसा लेने के लिए बैंक में अंदर आए हैं। हम गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं वही लेने आए हैं या दूसरे अपने अपने खुद का पैसा लेने आए हैं, वो हम उसको बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे बताएंगे आपको। हमारे साथ यहाँ एक कतार में खड़े हुए हैं उसके बाद महोदय जी है। सर जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन सिंह नाम है, मैं 70 वर्ष हो गया और पेंशन लेने खड़ा हूँ मैं। हमारे साथ जो अर्जुन सिंह जो आप जुड़ चुके हैं उसको बात करने की कोशिश करें। सब ये लाइन में आप कतार में खड़े हुए हैं, इतनी अभी गर्मी है, गर्मी में खड़ा नहीं रह सकता हूँ और मैं 70 वर्ष का बुढ़ा हो गया हूँ तो अभी पेंशन लेने के लिए 5 तारीख हो गया तभी नंबर लगता नहीं और बहुत परेशानी है। अभी 70 वर्ष से मैं बुढ़ा हूँ, पेंशन लेने के लिए तैयार हूँ, बल्कि लाइन में तड़का है, तड़का में खड़ा हूँ मैं। चक्कर आ जाएगा मेरे, मरता हूँ मेरा कोई सवाल नहीं करेगा मेरे पीछे। बॉर्डर पर सिर्फ राजस्थान के बॉर्डर पर रहता हूँ, 15 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। वैसे आपके गांव में जो बैंक ऑफ बड़ौदा के वीसी होता है जो पंचायत के अंदर, वीसी को वहाँ से आपको पैसा नहीं मिलता? वीसी से नहीं मिलता है? वीसी नहीं है वहाँ? नहीं है, नहीं कोई वीसी, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं निकला वो। और बैठते बैठते आया हूँ। कितने दिन आए थे आप? पहले तो आज ही निकला हूँ, बल्कि 6 बजे से निकला हूँ, अभी बैठते बैठते आया हूँ, बुढ़ा हूँ। ठीक है, और यहाँ बहुत सारी मुश्किलें सामना करनी पड़ती है। हमारे साथ दूसरे भी आपको बात करने की कोशिश करेंगे। सर जी आपका नाम क्या है? आनंद भाई लालजी भाई, सारोली। सारोली से जो सरकार ने पैसे दिया है वही लेने आए या पेंशन लेने आए? ना, 500 रुपया सरकार ने डाले है वही? जो सरकार ने 500 रुपया डाले है वही यहाँ लेने के लिए आए है लोग, शायद खड़े है। आपके यहाँ वीसी नहीं है सर? आपके पंचायत में वीसी नहीं है? ना। जो बैंक ऑफ बड़ौदा से जो वीसी देते हैं वो वीसी नहीं है? वहाँ से पैसे नहीं देते आप? पोंटियाना नहीं आवे हैं मानसो। यहाँ बहुत ही कठिन है। बैंक ऑफ बड़ौदा में से कई पंचायतों में वीसी भी रखा है लेकिन वीसी वहाँ से यहाँ बुलाया गया है, क्यों मालूम नहीं पड़ता, पता नहीं, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस भी चल रहा है तो वीसी जिस गाँव में है वहाँ वीसी भी यहाँ बुला दिया है। हम वीसी से बात करने की कोशिश करेंगे। सर जी आपका नाम क्या है? थनाथ प्रभुदास किमजी भाई। हमारे साथ जो वीसी है जो प्रभुदास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर जी आपकी पंचायत कौन सी लगती है? सारोली। सारोली पंचायत। तो यहाँ आपको बैंक तरफ से बुलाया है या अपने आप आए? बैंक तरफ से बुलाया है। बैंक ने बुलाया है? अभी अभी कोरोना वायरस चल रहा है फिर भी बैंक वालों ने आपको यहाँ बुलाया है? हाँ जी। वैसे आपको मालूम है कितने हो गए, शायद आपको पता होगा, तो कितने वीसी हो गए विजयनगर के अंदर? आपको शायद पता होगा, विजयनगर में 2 ही है। 2 ही है? और यहाँ कितने रहते हैं? 2 ही। दो ही यहाँ बुलाया जाता है? तो बैंक के अंदर से नहीं पैसे देते? बैंक के अंदर से भी देते हैं, लोग ज्यादा भीड़ लगे इसलिए यहाँ बुलाया। दिखा देगा शायद तस्वीर के अंदर, यह बहुत सारी लंबी कतार है, कई लोग अपने पेंशन लेने के लिए आए हैं, कई लोग जो गवर्नमेंट ने पैसे डाले हैं अपने खाते के अंदर वही लेने के लिए आए हैं। यहाँ वीसी भी बुलाया गया है, कहीं भीड़ न लग जाए इसलिए वीसी को भी यहाँ बुलाया गया है। वीसी द्वारा भी पैसे दिए जाते हैं और बैंक में अंदर भी पैसे दिए जाते हैं।